कैसे हैं सभी लोग? अब करते सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस फिलहाल नए घर के लिए लेने आए हैं नई मिक्सी, तो मिक्सी लेते हैं। मैंने बोला था ना मिक्सी रह गई है बस अभी हमारी फिलहाल, तो मिक्सी लेते हैं। और कौन सी मिक्सी लेते हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको। मोहित की नहीं थी, तो पापा के जाने वालों के अंकल की शॉप है तो वहीं पे हम लोग आ गए थे डायरेक्ट लेने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ अभी के लिए लंच ले लेती हूँ गरम खाना जिसमें रहे, क्योंकि अभी मैंने जो लिया था उसमें गरम नहीं रहता था इसका खाना, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी ठंडा हो जाता था। तो अब मैं सोच रही हूँ इसके लिए एक टिफ़िन भी ले लेती हूँ। तो लंच बॉक्स देख लें चाहिए ऐसे है ये अंकल, ये इसमें गर्म रहता है, ये गर्म के लिए है, ये बॉम्बे की आइटम है, मैं घटिया माल दूंगा ही नहीं आपको जब आपने कह दिया ना। इसमें कलर और है तो सारे होंगे जैसे। तो गाइस देखते हैं कौन सी मिक्सी लेते हैं अभी, अंकल दिखाएंगे मिक्सी तो हमें। मैं फिलहाल अभी का लंच बॉक्स देख रही हूं। लंच बॉक्स का खराब हो गया क्या? अरे वो उसमें गर्म नहीं रहता, फ्रेंच फ्राइज जाते हैं बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, प्लास्टिक वाला है तो उनका कहना इसमें गर्म रहेगा। अच्छा 401 और छोटा दे देता हूं। हाय हो रही है इसकी। नहीं ना नहीं बताया कि दवाई नहीं है की जो इंस्टा की थी, इंस्टा की कहते हैं इंस्टा की थी। अरे तो मम्मा का पर्स दबा के क्या लाए हैं अभी को पता है अभी कैसे बोल के दिखा दे। हैप्पी बर्थडे। अरे पहले ये वो निकाल दो इसका अपना बैग, वरना इसका कभी पैर वैर अटक जाए। तो क्लिनिक क्या लेकर आए हम? थैंक यू। अभी खोल दो ये क्या है, पूछ तो लो क्या है ये, पूछो है क्या ये। ओबे क्या है लंच किसका हो रहे हो भैया? इसे मालूम है खोलूं अरे वाह अभी ये किसका लंच बॉक्स है बाबू? गाइस को दिखा दो कैसा लग रहा है, मम्मा पापा न्यू न्यू लंच ये देखो अभी का लंच बॉक्स न्यू ये तो बहुत प्यारा है। इसका ना वैसे ऑलरेडी बहुत सारे लंच बॉक्स हैं, मतलब 2-3 लंच बॉक्स हैं, लेकिन उनमें शिकायत आ रही थी बहुत ज्यादा। शिकायत ये थी कि उसमें खाना गर्म नहीं रहता, तो इसके लिए मिल्टन का ये लाए जिसमें खाना 2-3 घंटे गर्म रहेगा, ताकि ये अपना खाना ना फ्रेंच फ्राइज गरम गरम एंजॉय कर सके। इसमें क्रंची भी रहेंगे और बिल्कुल गरम भी रहेंगे। हाँ देखो देखो वो कांटा खोल रहा, कांटा बाल बड़े हो गए कटने आ रही थे इसके बाल। मिक्सी लिया हूँ चलो भाई चलो, पंखा बंद कर दो ही ना। हम तो पता है न्यू मिक्सी भी लाया अभी, पता है तुम्हें? पता है नहीं? जल्दी आओ जल्दी, अपनी न्यू मिक्सी जिसका हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और शाही पनीर भी नहीं खा पा रहे थे ना ही कोई और चीज़ खा पा रहे थे मिक्सी के बिना। सो दिखाते हैं मिक्सी न्यू। सो गाइस ये लेकर आए हम न्यू हमारी मिक्सी। हट जाएगा ये टेप, हट जाइए हटा दो। अच्छा घर पर दिखाई थी, अभी खोल रहा हूँ, अभी एक मिनट बस। एक मिनट यार, इसे अभियुक्त को ना हमारे बहुत ज़्यादा चुल रही है, अंदर जाएगा सारी कूलिंग निकाल के आएगा ये लड़का हमारा। तो गाइस हम इसे खोलने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें जार कितने मिले हैं हमें। इसमें हमें मिले हैं 3 जार्स, छुटका उससे बड़का और उनके अब आएंगे उनके पिताजी सबसे बड़े। ये पिता, ये पापा, पापा मम्मी और बबुआ का सेट मिला है हमें तीनों का। श्री गणेश करते हैं तो हमें डांस कर रहा है, इस साउंड भी डांस कर रहा है। तो गाइस अब
भी बनाती हूँ, पहले मैं चेंज वेंज कर लूँ, बहुत गर्मी लगती है। उसके बाद बनाता है। मिक्सी बिल्कुल ठीक है, हमने चला के देख लिया, मिक्सी का जो स्पेस है जो जगह रहेगी वो यही वाली रहेगी, यहीं पे मिक्सी। सही है ये सर। अच्छा ये देखना ऐसे जाएगी, पूरा नीचे ही है ना। तो मिक्सी की जो जगह रहने वाली है वो यही रहने वाली है, मैं कोने में कर दूंगी ये वाली, यहाँ से पास पर हटा दूंगी, मिक्सी यहाँ रख दूंगी मैं। और बाकी फिलहाल अभी चेंज करते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं, ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ओके गर्मी से गाइस मेरी हालत देखना, ब्लॉग बनाते बनाते ऐसी हो गई है, पसीना पूरे मुंह पे, ओ माय गॉड। तो बस अंदर चलते हैं यार, उसके बाद फिर बनाना शेक बना के हीना लेकर आएगी, उसका लुत्फ उठाते हैं। फिलहाल अभी अंदर जाके थोड़े कूल हो जाएं, और उसके बाद पहले से सबसे पहले ये कपड़े चेंज कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस कर लिया चेंज, अब बनाते हैं पतिदेव के लिए और अपने लिए बनाना शेक मिक्सी से, पहली बार जो बनाते हैं न्यू मिक्सी से, तो क्योंकि आज फास्ट भी है और फिर बनाना वैसे तो खाए नहीं जाते हैं तो ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने सोचा कि बनाना शेक बना लेते हैं। वैसे तो मैंगो शेक पीने का मन कर रहा था बट मैंगो नहीं है, बनाना है तो बनाना शेक ही बना लेते हैं। कैमरा मैं कहाँ सेट करूँ, कैमरा मैं सेट कर देती हूँ यहाँ पे फिलहाल के लिए। तो फिलहाल के लिए कैमरा मैंने यहाँ सेट कर दिया क्योंकि अभी पतिदेव अभी के साथ में लगे हुए हैं, ये कार्टन वगैरह तो समझ नहीं आते कहाँ। तो गाइस बन चुका है बनाना शेक, अभी कांच के ग्लास नहीं लाएंगे, मेरे कांच के ग्लास खाले रह गए हैं, तो लगता है स्टील के ग्लास में कर लेते हैं। वैसे ये कोई टाइम है नहीं बनाना शेक पीने का, बट कर ली ना कल तक खराब हो जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे से हो रहे थे इसलिए मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। अभियुक्त की फरमाइश है कि उसे पीना है एप्पल जूस, तो मैं उसके लिए लेकर आऊँगी। ठंडा करने के लिए हम इसमें डाल देंगे आइस क्यूब्स, तो ये हो चुका है। अब इसके बाद एप्पल जूस और हम लोगों का बनाना शेक। क्या बोलता है मम्मा कुछ पीने का ला दो, अभी पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो बेटा, रुक जाओ मैं दे रही हूँ, गिर जाएगा ना, धीरे धीरे पियो। खड़े होना है, बैठो मामा। गाइस सुना आपने क्या कह रहा है, कह रहा है देखो हमारा ये आ गया, फुल ब्लॉगिंग सीख रहा है गाइस, ये फुल ब्लॉगिंग आने वाले टाइम में ना मेरा कैमरा यही हैंडल करने वाला है। बोलो देखो भाई मैं आ गया सुपर, देखो गाइस आ गया मेरा सिपर। अभी कुछ लोगों ने इसकी बात समझ में आती नहीं होंगी बट हम लोगों को बहुत क्लियर नहीं आती है, वही माँ बाप को तो आती आती है घर वालों को, बट ये बोल रहा है देखो गाइस आ गया मेरा आपसे सुबह, तो फिलहाल के लिए अभी गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइस, फिलहाल हो चुके सुबह और अभी वैसे 8, वैसे मैं जल्दी उठ गई थी पर मेरे साथ साथ अवृत भी उठ गया ना, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, फिर उसे भी सुलाया दोबारा, फिर उठाई दिया मैंने कहा चलो उठ जाओ। तो ये सबसे पहले बना देते हैं पतिदेव के लिए चाय, गर्मी लग रही है भाई बहुत तेज। फिर बनाएंगे अभी का टिफिन, आज मैं अभी के टिफिन में क्या क्या देने वाली हूँ वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, बस पहले अभी को निला दूँ इनकी चाय बना के एंड उसके बाद में इसका टिफिन रेडी कर दूंगी। अभी वो मम्मी बच्ची क्या कर रही है,
अब मिक्स से आ गए ना, मैं अपनी इलायची भी ना पीस के रखूँगी, पता है ऐसे ना ज़्यादा फ्लेवर आता नहीं है इलायची का चाय में, पीस के रख लो तो बहुत ज़्यादा, इतना सा भी डालो तो इतना अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा भी चाय गिर जाती है मेरी सारी। आज अभी बहुत दिन बाद स्कूल जा रहा है, आज अपने फ्रेंडों से मैं चुड़चुड़ा रहा है ये। तो गाइस इसके प्रेस कपड़े मत, मैं तो इसको लंच बाद में बनाऊंगी, पहले इसको रेडी कर देती हूं क्योंकि ये बहुत चिड़चिड़ा रहा है, कह रहा है जल्दी इतने दिनों बाद जा रहा है ना, तो इसे लग रहा है कि बस जल्दी से ना मुझे ये लोग स्कूल पहुंचा दे। कुछ नहीं पहना, ऐसे नंगा जाएगा, ऐसे नंगा जाएगा स्कूल, ठीक है। तो मैम फिर डांटेगी, फिर क्या कहेगा तू मैम से? हाँ जी एक्साइटेड है बहुत ज्यादा जाने के लिए। आज अभियुक्त अपने सारे दोस्तों से मिलेगा, इसका कॉलर ठीक कर दो अभियुक्त, आज बहुत एक्साइटेड हो तुम, है ना? बहुत ज्यादा। किससे मिलने वाले हो आज? दोस्तों से? नव्या से। नव्या से मिलेगा आज, है? और किससे नहीं मिलना? और किट्टू से। किट्टू से अपने दोस्तों के नाम बता रहे हैं। और किसी से नहीं मिलेगा? दोनों से बस दो ही दोस्त हैं इसके। और दो ही फ्रेंड हैं आपके इसके साथ दिनों दस से? तो गाइस इसे मैंने रेडी कर दिया है और इसकी शैतानियां ना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, पूरे घर में बात करने की फोन। अच्छा तेरी बात नहीं करूं? नहीं ठीक है। और मैं इधर इसका लंच बना रही हूँ, अभी लंच में और क्या क्या रख रही हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो फिलहाल मैं इसके लिए मखाने भून रही थी, इसे बहुत पसंद है भुने हुए मखाने, मतलब एक तरीके से इसके फेवरेट ही हैं। इसे लंच में मखाने दे दो बस, कुछ मत दो, उसी से खुश है ये। जब आएगा पूरा फिनिश मिलेगा। फ्रेंच फ्राइज लावा रही है अभी हमारा। ओहो आज तो अभी मखाने भी हैं। आई तो अभी एक रैप में मखाने, एक रैप में फ्रेंच फ्राइज और बस। बब्बू बोशा बेटा तू तो इतना अच्छे से खाता है ये बब्बू बोशा। बस इस टाइम ये लग रहा है कि लेट ना हो किसी भी बस। चलो पापा खा लेंगे, पापा आप मत खाओ ठीक है आप। डरा दिया था आपने पता है पापा को अभी? आपने ना डरा दिया था पापा को, बहुत ज्यादा डर गए थे पापा। अभी देखो आपके फ्रेंच फ्राइज भी रेडी हो गए, आप खुश हो? आई आई भैया आई, ये हमारे लंच, एक में मखाने आ गए, एक में आ गए फ्रेंच फ्राइज रैप में। ये इनका फेवरेट लंच है गाइस। इसके सिवा ही कुछ और लंच में खाना? और किन किन के बेबीज का ये फेवरेट लंच है कमेंट्स में बताना। मखाने मखाने एंड फ्रेंच फ्राइज देते हैं, एंड एक चीज और है इनकी फ्रूट्स में, हो जाएगा लंच? टाइप से दबाओ एंड फ्रूट्स में इनका है बब्बू बोशा। नाशपाती जो होती है वो बहुत ज्यादा खट्टी मीठी सी होती है, लेकिन ये जो है मीठे मीठा, ये अभी को बहुत ज्यादा पसंद है, पसंद आ गया अभी रिसेंटली, बहुत पसंद आ गया अभी को ये। तो हमने सोचा ये भी लंच में दे दो क्योंकि आराम से खा लेगा ये, वो शौक से खा लेता है, फिनिश करके आता है अभी को। चलो भैया अभी का लंच रेडी है, सो मैं भी अब जल्दी से रेडी हो जाता हूँ और चलते हैं अभी को छोड़ने, ठीक है? घर के हालात देखो कैसे हो रखे हैं, इसने ही किए हैं। चलो भाई चलो जल्दी से अभी, चलो चलो भाई चलता है। और अब मैं लग जाऊंगी अपने सारे कामों में, अब जो भी फैलावा हुआ है वो सब समेटूंगी।
तो गाइस अभी तो स्कूल चला गया था, पति देव अपनी वर्किंग पे चले गए थे और इस बीच मैंने अपने सारे काम खत्म कर लिए। और अभी बना रही हूँ खाना, खाने में बना रही हूँ मैं उड़द और चावल और रोटी। तो बस उड़द बनने के लिए रख दिया है, उड़द बहुत देर में बनते हैं भाई, बहुत देर में। तो ये उड़द देखो अभी भी ना मतलब इनमें कमी है, अब इसे मैं थोड़ा सा घोट के फिर पानी डाल के फिर बनाऊँगी। छौके की तैयारी मैंने ये करके रख दी है और चावल इस साइड बन रहे हैं आटा गूंद के, थोड़ा सा गूंदा है थोड़ा सा रखा हुआ है। तो और शाम के लिए मैंने भिगो दिए हैं चने, तो मैं बनाऊंगी चने हलवा। तो मेरा मन कर रहा है चने हलवा खाने का, तो वो मिलेगा शाम को खाने के लिए क्योंकि अभी तो मैंने भिगोए हैं। तो गाइज अब एंड करते हैं इस वाले ब्लॉग को, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कॉमेंट करना तो भूलना मत। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, लव यू ऑल।